क्रिप्टो लाइव एक खास कार्यक्रम जिसको हम लेकर के आते हैं कॉइन डीसीएक्स के सहयोग से। कॉइन डीसीएक्स देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज और क्रिप्टो लाइव देश का सबसे पहला लाइव कार्यक्रम क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के, जहां हम बात करते हैं निवेश की, ट्रेडिंग की, एनालिसिस की, बिटकॉइन, बहुत सारे और कॉइन्स, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, उससे जुड़े हुए स्टार्टअप्स, उसके रेगुलेटरी इश्यूज, सरकार से क्या हो रहा है, बैंक्स क्या कर रहे हैं, आरबीआई क्या कर रही है, सारी जानकारी देश दुनिया से लेकर के और सब कुछ एनालाइज करते हैं, सब कुछ यहाँ पे जांचते परखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि कहाँ हैं मौके क्रिप्टो के बाजार में मुनाफा कमाने के, पूंजी को बढ़ाने के। वहाँ थोड़ा वोलेटाइल होता है बाजार, तो तेजी भी बहुत ज्यादा तेज होती है और गिरावट भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। माइंडसेट बिल्कुल चेंज करके देखिएगा, इक्विटी के चश्मे से क्रिप्टो को मत देखिएगा। यहाँ बाजार एक दिन में 1% 1.5% बड़ी गिरावट या बड़ी उछाल होती है, वहाँ 10% और 15% नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए उस वोलेटाइल को, वो यंग लोगों का, नए ज़माने का फाइनेंशियल सिस्टम है, लेकिन हम एनालाइज करते हैं, बस मिस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि हम छूट जाएं, चूक जाएं और समझते चलें कि क्या है भी मौका वहाँ पे। और बहुत सारे लोग जब कहते हैं कि बबल है, बस्ट हो जाएगा, बहुत सारे लोग, तो उसको भी हम एनालाइज करें कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तो इसमें कुछ दम है, कुछ है, क्योंकि उसके पीछे के कुछ तथ्य आज तक वो ना दे पाए कि ये क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा नहीं है। और अच्छा है वाले बहुत सारे लोग हैं और उनको हम यहाँ पे जोड़ करके उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें दम है, इसमें ताकत है, इसके पीछे कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजी। आपको नहीं समझ में आती इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ नहीं है। किसी ज़माने में हम लोग ये भी नहीं समझ पाते थे कि बिना तार के फ़ोन काम कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी फ़ोन ऐसा आएगा नहीं, आया नहीं। आज हम सबके हाथ में एक एक फ़ोन हैं या कई कई फ़ोन्स हैं जो कि बिना तार के आवाज़ इधर से उधर, आवाज़ से ज़्यादा वीडियो, सब कुछ जाता है। एक ज़माने में, और बहुत समय नहीं हुआ, आज से 10-15 साल पहले 20 साल पहले ही इसको इमेजिनेशन के बियॉन्ड था। तो चीज़ें इस तरीके से चलती हैं और नए ज़माने में टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्दी जल्दी आती है। चलते हैं इस पर बात करते हैं क्रिप्टो के बाज़ार पर। और हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रही हैं, पूनम सिंह जी। पूनम सिंह जी फाउंडर हैं सीईओ पैसा रोज के, ठीक है, उनके पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पूनम जी कैसे देखते हैं क्रिप्टो के बाजार को। पूनम जी बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ, हमारे शो पे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तो पूनम जी माफी चाहता हूँ, पिछली बार हम लोगों ने जो वीडियो किया था जब आपको जोड़ा था तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए थे, और तो वो एक चीज़ है। और उसके अलावा हम भी अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा R&D चल रहा है, तो चीज़ें हम ओवरकम करते हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं और यही चैलेंजेस क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए भी आते हैं, क्रिप्टो करेंसीज भी और बिटकॉइन भी और वो वहाँ से जुड़े हुए स्टार्टअप्स भी, वो भी इसी तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, इसी तरीके हर्डल्स को फेस कर रहे हैं। तो उस पर बात करने की कोशिश करते हैं कि आज हम जैसे देख रहे हैं कि क्या बिटकॉइन के अंदर, सबसे पहले क्योंकि वहां से शुरुआत होती ज्यादातर लोगों की क्रिप्टो के सफर की, बिटकॉइन के अंदर में डिप्स जो आ रहे हैं या आ रहे थे, क्या वो सब वो खत्म हो गया है या अभी इस तरीके का करेक्शन अभी और बाकी है? देखिए, एज लॉन्ग एज कोई भी जब मार्केट इमर्जिंग होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलेगा, बिकॉज बिटकॉइन जैसे आपने कहा कि इट्स एन इमर्जिंग फील्ड, टेक्नोलॉजी भी नई है, जो यूजर्स हैं वो भी नए हैं, लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उसको बैन कर रहे हैं। ऑन वन साइड व्हेन वी आर सीइंग कि चाइना ने माइनिंग को टोटली बैन कर दिया है और बहुत ज्यादा लीगल हैसल्स वहाँ के माइनर्स फेस कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि जो एल सल्वाडोर के बाद अब पराग्वे इज अनदर कंट्री विच इज टॉकिंग अबाउट कि बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर बनाए। तो जिस तरीके से जैसे क्योंकि ये इमर्जिंग फील्ड है, इसको लीगल सैंक्शंस भी मिल रहे हैं और सपोर्ट भी मिल रहा है, तो उस वजह से वॉलेटिलिटी बनी रहती है। एंड ये नहीं कह सकते कि अब ये डिप नहीं जाएगा और सिर्फ एक अपर साइड में जाएगा, बिकॉज आपने जो अगर बिटकॉइन की आप हिस्ट्री देखेंगे तो इस तरीके के डिप्स आते रहे हैं, लेकिन जब जब डिप आया है उतनी ही रफ्तार से उसने मार्केट को कवर किया है। एंड यू नो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है और इमर्जिंग मार्केट है, तो डिप से आपको बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू बेसिकली यू नो इन्वेस्ट। तो डिप से घबराने की जरूरत नहीं है, वॉलेटिलिटी से घबराने की जरूरत नहीं है, जितना पैसा नीचे जाता है उतनी ही रफ्तार से ऊपर भी बढ़ता है।
ठीक है, ये राय है पूनम जी की, कह रही हैं कि ये वोलेटाइल होता है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग चीज़ें, नए जमाने की चीज़ें, तो उसके अंदर में नए तरीके की एनर्जी है, तो इसलिए वो दोनों तरफ से देता है। जितनी बार देखना कैसे है, ये देखना ये है कि डिप जब होता है तो उसको आप इसको ये समझिए कि ये गिरावट नहीं, ये मौका है नई एंट्री का। तो नई एंट्री का मौका ठीक है बिटकॉइन के अलावा। सर पूनम जी, कौन सा ऐसा स्टेबल कॉइन होगा जिसको आप सजेस्ट करें कि जिस पे कि जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूं, क्योंकि हम बार 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 जहां शुरुआत करते हैं तो मैं ठीक है कि वो जरूरी भी हो जाता है कि बिटकॉइन से अगर शुरुआत ना करिए तो कोई समझता नहीं कि क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, लेकिन बिटकॉइन के बाद और क्या चीजें हैं और क्या है स्टेबल कॉइन में, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई और स्टेबल कॉइन आप सजेस्ट करेंगे जिसको कि लोगों को देखना चाहिए या शुरुआत उसके अंदर भी कर देनी चाहिए? जो लोग अभी बिगनिंग कर रहे हैं और जिनको वॉलेटिलिटी से डर लगता है, मतलब कहीं ना कहीं बस आपको एक क्रिप्टो को समझना है और उसमें थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप यूएसडीटी है, यूएसडीटी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली वन ऑफ द स्टेबल कॉइन्स कहा जाता है। यहाँ वॉलेटिलिटी इसलिए कम रहती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट ऊपर जाता है तो सारे लोग टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं, उस वजह से क्या होता है कि डिमांड ऑफ यूएसडीटी कम हो जाता है, लेकिन जब मार्केट डाउन जाता है तब जब लोग अपना पैसा अल्टकॉइन से या क्रिप्टो से निकाल के एक स्टेबल कॉइन की तलाश करते हैं तब यूएसडीटी की डिमांड बढ़ जाती है। सो यू नो यूएसडीटी में कंपेरेटिवली दूसरे कॉइन से वॉलेटिलिटी कम रहता है, तो आप यूएसडीटी में इन्वेस्ट करके शुरुआत कर सकते हैं एंड उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहता है, तो आप जो भी पैसा डालेंगे यू नो इट विल बी ग्रोइंग ओनली, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। एंड यूएसडीटी बेसिकली इसको कोलैटरलाइज्ड टोकन भी कहा जाता है, इसकी जो वैल्यू है वो यूएस डॉलर्स के कंपैरेटिव रखी जाती है, फियाट के इक्विवेलेंट रखी जाती है, यूरो, जापानीज युआन, यूएस डॉलर्स, इन तीनों से यू नो कहीं ना कहीं कोलैटरलाइज करके यूएसडीटी की जो अगर सिर्फ यूएसडीटी मुझे देखना हो तो क्या उसका कोड होगा या कैसे सर्च कर सकते हैं? तो उसको आप जिस जिस कंट्री ने उसको, जैसे यूएसडीटी आप इजिप्ट की जो करेंसी है उसको आप यूएसडीटी टाइप कीजिए और दूसरे इक्विवेलेंट आ जाएंगे उसको। ठीक है, तो यूएसडीटी यूएसडी है ये, तो ये डॉलर और वो है, ये डॉलर से आपको क्रिप्टो टोकन को खरीदेंगे यूएसडीटी, एंड यहाँ पे देखेंगे आप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है कंपैरेटिव टू बीटीसी एंड अदर अल्टकॉइंस, ये एक स्टेबल टोकन है एंड जैसे आप देख रहे हैं कि वन मतलब एक डॉलर का एक यूएसडीटी आएगा, तो बेसिकली ये यूएस डॉलर के बराबर ही रहता है, तो इसकी स्टेबिलिटी उतनी हुई जितनी डॉलर की स्टेबिलिटी है। जी जी जी, और स्पेशली जब क्रिप्टो मार्केट डाउन जाता है तब यूएसडीटी की वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज देन सारे लोग अपना पैसा निकाल के यूएसडीटी में स्टोर करना पसंद करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। यूएसडीटी में लेकिन इन्वेस्ट करने से फायदा क्या होगा, कैसे होगा? जैसे मैं, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि यूएसडीटी का मतलब ये हुआ कि ये जितना कॉइन है उतना ही यूएस डॉलर है, ऐसा ही हुआ? जी, जैसे फॉर एग्जांपल क्या रहता है कि यूएसडीटी में इन्वेस्ट करने से आप वॉलेटिलिटी से डर रहे तो आपको वो वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी, आपको क्रिप्टो का एक्सपोजर मिलेगा एंड जैसे जैसे क्रिप्टो में और नए लोग जुड़ते जाएंगे और ज्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी क्रिप्टो टोकन्स की, तो कहीं ना कहीं यूएसडीटी का यूसेज भी बढ़ता जाएगा, तो ये ग्रो बहुत ही धीमे रफ्तार से करेगा ग्रेजुअली, जैसे हमारे गोल्ड, जो गोल्ड का हमें रिटर्न्स मिलता है वो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट या मतलब ग्रोथ कम मिलता है बट वो स्टेबल रहता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो यूएसडीटी एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये तो हुआ स्टेबल कॉइन जिसकी बात कर रहे हैं आप, कुछ एक बहुत ही वोलेटाइल कॉइन या वोलेटाइल के अलावा बहुत अलग तरीके से काम करने वाले कॉइन्स, मतलब ट्वीट ट्वीट पे चलने वाले कॉइन्स, जैसे कि डॉजी कॉइन, उसके बारे में क्या राय है आपकी? क्योंकि खबरों में तो हम बहुत सुनते हैं उसके बारे में कि डॉजी कॉइन जैसी कोई चीज नई आई है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या निवेश करने के लिए उसको कंसिडर करना चाहिए?
निवेश करने के लिए तो मैं नहीं कहूंगी कि उसको कंसीडर करना चाहिए, जैसे क्योंकि आपने कहा कि वो ट्वीट्स पे काम करता है, किसी व्यक्ति ने अगर पॉजिटिव ट्वीट कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन पर्टिकुलर पर्सन एलन मस्क, ही हैज बेसिकली अडॉप्टेड डॉज कॉइन, वो उनके पेट हो रहे हैं अभी डॉज, बट अगर डॉज को आप स्पेसिफिकली एज ए टोकन देखें तो इसको कहा जाता है यू नो एनोमली, बेसिकली ऐसा जो कभी देखा नहीं गया, इट इज बेसिकली यू नो चेंजिंग चेंज फ्रॉम द नेचुरल कोर्स। तो और दूसरा इसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, उसके पीछे कोई टेक्निकल रीजन नहीं है डॉजकॉइन की। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट टू डेज इट हैज गिवन 3-4% ग्रोथ रेट रहा है, पिछले 2 दिन में लोगों ने काफी पैसा कमाया है डॉजकॉइन से, लेकिन उसकी ग्रोथ का कोई टेक्निकल रीजन नहीं है एक्सेप्ट द पर्सन जिसने उसको अडॉप्ट किया है। तो जैसे बाकी कॉइन्स भी हैं, तो मैं डॉजकॉइन पे आप लेकिन ट्रेड करके काफी पैसा कमा सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक है, तो पूनम जी ये कह रहे हैं कि अगर आपको निवेश करना है तो डॉजकॉइन से दूर रहें, अगर आपको ट्रेड करना है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा वो हो सकता है, लेकिन फिर आपको उसके अंदर में डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी और उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर फ्लक्चुएट भी उतना ही ज्यादा होगा। ट्रेडिंग के मौके वहीं पे निकलते हैं जहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं, तो जहाँ उतार चढ़ाव होगा वहीं पे ट्रेडिंग का मौका होगा, लेकिन उसके साथ में उतना ही रिस्क भी होगा। पूनम जी बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो आपको गुड मॉर्निंग भी कह, अच्छा लगता है, देखते हैं जब किसी महिला को क्रिप्टो करेंसीज में खासकर ऐसे नई चीज़ों में काम करते हुए, तो और बहुत सारा आपका कॉन्फिडेंस को देख करके बहुत सारा बल मिलता है। ठीक है, एक प्रियांजलि घोष जी पूछ रही हैं एक सवाल, और जो कि बहुत ही जनरल और बहुत ही लेकिन काम का सवाल है, वो ये पूछ रही हैं कि इस पर GST या टैक्सेस कैसे लगते हैं क्रिप्टो अर्निंग पे। तो क्रिप्टो से अगर मैं कुछ कमाई करता हूँ, अगर पर्सनली करता हूँ, तो टैक्सेस में कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, कंपनी है जो कि क्रिप्टो में काम करती है तो उस पे वो GST कैसे एप्लीकेबल होगा? तो अभी जो हमको जानकारी है GST, जैसे जो जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, बेसिकली क्रिप्टो को डायरेक्टली कोई टैक्स तो नहीं कर रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल जब भी आप अपने बैंक अकाउंट से एक्सचेंज में मनी ट्रांसफर करते हैं एंड जब एक्सचेंज से वापस अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पर जो गैस फीस है या ट्रांजेक्शन फीस है वो कट होती है, बट GST अभी डायरेक्टली इम्पोज नहीं होता है। वो कैसे लगेगा GST इन द फ्यूचर, उस पर अभी गवर्नमेंट काम कर रही है एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहाँ पर GST को इम्पोज किया जा सकता है, कितना परसेंटेज, किस ब्रैकेट में GST के ब्रैकेट में क्रिप्टो को रखा जाएगा। एंड अभी तो क्योंकि कोई रेगुलेशंस नहीं है तो अभी GST इज नॉट इम्पोजिबल। ठीक है, पूनम जी IOST है कोई कॉइन, आपने ट्रैक किया है क्या? जी, मुझे थोड़ी जानकारी है उसके बारे में। ठीक है, कुछ सिंपल जानकारी, क्योंकि हमारे एक दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं, अनुप साहू जी हैं, IOST कॉइन के बारे में, इसमें क्या दिखता है, क्या इसके बारे में जानकारी है और क्या करा जा सकता है? देखिए क्या होता है कि अभी जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इसको यूज करने के लिए देयर आर सम सेंट्रल बॉडीज, लेकिन IOST इज इंटरनेट, बेसिकली इंटरनेट टोकन कहा जाता है इसको, एंड ये वेब 3.0 की कैटेगरी में आता है। बेसिकली ये जो इंटरनेट है उसी को डिसेंट्रलाइज करने की फैसिलिटी दे रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है कि अभी अगर हमको अभी सर्वर चाहिए या अपनी कोई वेबसाइट बनानी है तो हम यूज करते हैं Amazon वेब सर्विसेज AWS, ताकि हमारे जो भी वेबसाइट है उसको एक स्टोरेज और एक बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन IOST ये फैसिलिटी उसे एक बॉडी, बेसिकली एक सेंट्रल अथॉरिटी से निकाल के इसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश में लगा। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है IOST, ये इंटरनेट को ही डिसेंट्रलाइज कर देगा एंड इन द लॉन्ग रन इसमें बहुत पोटेंशियल है, तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, क्योंकि उसका फंडामेंटल, उसका जो पीछे का फंडा है, जो प्रोजेक्ट है, वो पूनम जी ने समझा दिया कि जैसे AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज यूज करी जाती है, जो क्लाउड सर्विसेज हैं, जब हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं उसके अंदर में पीछे जैसे वीडियोस रखना है हमारा, अगर मान लीजिए मेरा प्लेटफॉर्म है OTT प्लेटफॉर्म, और उसके सारी चीज़ें की किस तरीके से उस पर चैट काम करेगा, किस तरीके से उस पर टेक्नोलॉजी काम करेगी, स्टोरेज और वो सारी चीज़ें, तो वैसे AWS होता है, उसी तरीके से उससे भी और ऊपर जो पूरे इंटरनेट को
मैनेज करने के लिए और उसको ब्लॉकचेन में इस्तेमाल करने के लिए ब्लॉकचेन के माध्यम से, वो IUST प्रोजेक्ट है। और तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल प्रोजेक्ट है, और उसके इसलिए उसके अंदर में संभावनाएं भी बहुत है, तो अच्छा मौका है उसके अंदर में निवेश करने का। ठीक है, बस पूनम जी एक सवाल और ले लेता हूँ कि पोल्का डॉट क्या है? मैटिक ही है पोल्का डॉट हो गया है वो, या पोल्का डॉट और मैटिक दो अलग अलग चीज है? नहीं, पोल्का डॉट और मैटिक अलग चीजें हैं। जो पोल्का डॉट है उसको इथेरियम की को-फाउंडर गेविन वुड ने ही बनाया है। जब वो गेविन वुड इथेरियम बना रहे थे, देन ही केम अक्रॉस प्रॉब्लम्स कि इथेरियम में स्केलेबिलिटी इश्यूज हैं और ट्रांजेक्शन्स बहुत ही स्लो स्पीड में पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इथेरियम में सिर्फ 12 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड प्रोसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम इथेरियम में थी, उनको सॉल्व करने के लिए गेविन वुड केम अप विद द आइडिया ऑफ पोल्का डॉट, जिसमें इंटरऑपरेबिलिटी की एक फीचर्स प्रोवाइड किया है। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब, फॉर एग्जांपल, अभी आपको कोई भी टोकन इथेरियम ब्लॉकचेन पे है, ERC20 या किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे है, तो अगर आपको कहीं उसको ट्रांसफर करना है तो आपको सेम ब्लॉकचेन को यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप CoinDCX में आपका रिपल है या कोई भी टोकन है, अगर आपको उस CoinDCX से किसी और एक्सचेंज में मनी ट्रांसफर करना है या किसी वॉलेट में ट्रांसफर करना है, तो उस वॉलेट को और या फिर किसी जो मतलब रिसीवर पार्टी है उसके पास सेम ब्लॉकचेन होना चाहिए। लेकिन ये अक्सर प्रॉब्लम आता है, सेम ब्लॉकचेन दो प्लेटफॉर्म्स के पास कभी कभी नहीं होता है। तो पोल्का डॉट जो इंटरऑपरेबिलिटी है, उसमें क्या हुआ कि ये मल्टीपल ब्लॉकचेन्स की मदद से, मतलब आप अभी इतनी भी ब्लॉकचेन से किसी और ब्लॉकचेन पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं पोल्का डॉट से, जो टोकन है या और भी दूसरे चीजें, जैसे आप पोल्का डॉट की मदद से डेटा को भी एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर कर सकते हैं विद लो फीस एंड हाई स्पीड। तो ये फीचर्स पोल्का डॉट ने बेसिकली जो इथेरियम में प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया पोल्का डॉट ने। जो मैटिक आप बात कर रहे हैं, वहां पर इंटर सेम ब्लॉकचेन है, वहां पर भी इंटरऑपरेबिलिटी कम है, लेकिन पोल्का डॉट सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम ऑफ इथेरियम। ठीक, अमेजिंग। तो पोल्का डॉट हम ये माने कि ये उसका सक्सेसर है इथेरियम का, और उसमें जो जो समस्याएं थी या जो कोई भी रिस्ट्रेंट जो चैलेंजेस थे उनको दूर करके पोल्का डॉट इन्वेंट किया गया। Am I correct? जी, ठीक, इंटरेस्टिंग। अच्छा, चलते चलते पूनम जी फिर मुझे ये बता दीजिए कि आप यानी आपका प्रोजेक्ट पैसा रोज वो क्या करता है? जी, जैसे पैसा रोज इज अभी हम पैसा बनाने, रोज पैसा बनाने के जो जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें ट्रेडिंग आती है एंड जिसमें स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों में ही जो अपॉर्चुनिटीज है मैं उनको बताती हूँ। जैसे बेसिकली ट्रेडिंग कंसल्टेशन रहता है एंड जो हमारे सीनियर इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, हम इन्वेस्टर्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है फंडामेंटल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम नए लोगों को उनसे जोड़कर अगर किसी को समझना है, कोर्स लेना है तो वो कोर्स लेते हैं, या फिर बस एक कंसल्टेशन लेना है कि मुझे किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी अभी वेबसाइट पे अंडर कंस्ट्रक्शन, इट्स नॉट फुली कंस्ट्रक्टेड, लेकिन हमें एक आइडिया मिल गया कि आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को निवेश करने के लिए उसमें मदद करते हैं, उसमें सहायता करते हैं, और पैसा रोज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रोज रोज कैसे अपना पैसा बढ़ा सकते हैं, पैसे नया कमा सकते हैं, और उसके लिए चाहे वो क्रिप्टो का बाजार हो चाहे शेयर बाजार हो, यही कह रही हैं आप? जी, जैसे आप उसमें देखेंगे मैंने 3 शोज के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वुमेन वी नीड, द पॉइंट टॉक्स एंड पैसा रोज। वुमेन वी नीड विल बी अ शो जहां पे हम वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश में है, स्पेशली इन इंडिया जब हम देख रहे हैं, यू नो, कोविड टाइम्स में भी there are so many women जिन्होंने अपना जो भी partner या जो एक source of financial support के life partners को दी है। कहीं ना कहीं हमारी Indian women जो है बहुत ही dependent है when it comes to you know finance और अपने taxes, अपने investment, वो हमेशा या तो पिता पर या बेटे पर या पति पर dependent रहती है। तो women की need में हम women को financially independent करने की जागरूकता फैलाएंगे with the help of this show। पॉइंट टॉक्स में मैं क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टो टोकन्स के बारे में बात करूंगी, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है,
एंड पैसा रोज में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स से बात करें। ठीक है पूनम जी, आपकी शेयर बाजार पे पकड़ कैसी है? आप शेयर बाजार में आप भी कंसल्टेंसी देती हैं या आपके कोई सहयोगी हैं बाकी लोग हैं जो शेयर बाजार में एडवाइस देंगे? जी एज ऑफ नाउ और जब ट्रेडिंग तो मैं खुद ही बताती हूँ, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वी हैव एक्सपर्ट्स जिनसे हम कनेक्ट करते हैं। अमित शाह इज वन ऑफ माय फ्रेंड जो अभी मतलब बेसिकली एज ए सपोर्ट और एज यू नो मोटिवेशन सपोर्ट को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आ गए। देयर इज नो मतलब कोई पार्टनर इन द सेंस, ठीक है, एडवाइजरी रोल कह सकते हैं जी, एडवाइजरी रोल में अभी फ्रेंड्स हैं काफी सारे जो सीनियर हैं इन्वेस्टर्स हैं एंड काफी समय से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके खुद के पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं एंड तो वो अपना नॉलेज शेयर करने के लिए ठीक है इंटरेस्टिंग अवेलेबल है। पूनम जी इस पे आगे बात करेंगे और इसमें एक मेरा एक सजेशन है, एक राय एक वो है कि अगर हम ऐसा कुछ कर सकें फाउंडर इंडिया के साथ में मिल करके हम लोग और मिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट एंड मे बी इंक्लूडिंग वुमेन की वुमेन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम कुछ एक शो मिल करके बना सकें, एक रेगुलर शो वीकली या मंथली जैसा भी आपकी सुविधा के हिसाब से, वो इंटरेस्टिंग होगा। और हम इसमें हमारा ये एक सजेशन है, इसको आगे डिस्कस करते हैं अलग से। और अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो हमारी महिला दर्शकों के लिए या महिलाओं के लिए जो हमारे शोज को देख रही हैं उनके लिए एक अच्छा वो प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे वो अपनी समस्याएं या अपने तरीके से किस तरीके से वो देखते हैं दोनों बाजारों को, शेयर बाजार और क्रिप्टो बाजार, क्योंकि ऐसा एक जंक्शन जहाँ पे दोनों बाजार मिलते हो, मुझे क्रिप्टो लाइफ के बाद में पैसा रोज ही दिखाई दे रहा है, तो ये एक अच्छा कॉमन थ्रेड है जो हम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए, आपके पास फिर आएंगे और आगे जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थी पूनम जी जो कि पैसा रोज की फाउंडर हैं, जहां पे आप शेयर बाजार से लेकर के क्रिप्टो बाजार तक की जानकारी, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, ट्रेडिंग से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक पा सकते हैं। और ये था क्रिप्टो लाइव।